जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र में ये जो पार्ट 11 है, इससे पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो जरूर देखें प्लेलिस्ट में, ठीक है। और आज हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हिंदी शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आपकी जो MPTET वर्ग 3 है या फिर CTET का एग्जाम है या रीट का एग्जाम है, उनमें शिक्षा शास्त्र जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित अभ्यास जो है अपना निरंतर जारी रहेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आपको 4 विकल्प के माध्यम से एक उत्तर बताना होता है विकल्प में, तो सभी लोग एक उत्तर बताएंगे, तो आज का वीडियो स्टार्ट होता है। तो आपके सामने प्रश्न है, मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। ऊपर दिया गया जो कथन है वो किसका है? मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों का दर्पण है, ये कथन किसका? मार्स और बिंगो का, मॉन्टेसरी का, वुडवर्थ का या फिर पावलाव का? ये कथन बताना, ये कथन किसका है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें, और नहीं पता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मार्स और बिंगो। मार्स और बिंगो का कथन है, इन्होंने कहा कि मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। किसने? मार्स और बिंगो ने कहा, ठीक है। तब आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, पराजित पीढ़ी के नाम किसके द्वारा रचित निबंध है? हमें बताना है पराजित पीढ़ी के नाम किसके द्वारा रचित निबंध है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उत्तर होगा रविंद्रनाथ त्यागी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में कोई छात्र शुद्ध लेखन करता है और कोई अशुद्ध लेखन करता है, तो यह सिद्धांत है, तो किसका सिद्धांत है? आपको बताना है कि कक्षा एक ही है और कोई छात्र शुद्ध लेखन कर रहा है और कोई छात्र अशुद्ध लेखन कर रहा है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? चयन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत? प्रश्न क्रमांक 3 और 4 विकल्पों में से आपको उत्तर बताना है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री है तो कौन सी है? उपरोक्त सभी, केवल ब्लैक बोर्ड, केवल पाठ पुस्तक या फिर मानचित्र? तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली जो सामग्री है वो क्या है? तो ब्लैक बोर्ड भी है, पाठ पुस्तक भी है, मानचित्र भी है, यानी कि जो उपरोक्त सभी है, एक नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते वक्त बच्चों की किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों की कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? कठिनाई पर, त्रुटियों पर, रुचि पर या उपरोक्त सभी पर? तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय बच्चों की किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो सभी का, यानी कि कठिनाइयों का भी, त्रुटियों का भी और रुचि का भी, वो प्रयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं? उपरोक्त सभी, केवल वर्तनी, वाक्य रचना या फिर ब्राह्म चिन्ह से संबंधित? तो लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। और जल्दी से कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है तो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वर्तनी संबंधी भी, वाक्य रचना भी संबंधी और ब्राह्म चिन्ह संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषता रेडियो नाटक की है? रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द की प्रमुख साधन होते हैं, रेडियो नाटक में एक ही पात्र होता है, रेडियो नाटक में व्यंग्य की आवश्यकता नहीं होती या रेडियो नाटक में संगीत आवश्यक नहीं होता? तो आपको बताना है कौन सी विशेषता रेडियो नाटक की है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द की प्रमुख जो है साधन होते हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, एक नंबर, ठीक है। तो बताना दोस्तों, अच्छी पाठ पुस्तक के गुण नहीं है, नहीं है बताना है। कलात्मकता, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाषा विज्ञान का क्लिष्ट होना या संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना,
तो अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण कौन सी नहीं है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है, और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा का क्लिष्ट होना, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण नहीं है भाषा का क्लिष्ट होना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवधी किस भाषा वर्ग की बोली है? अवधी भाषा बताना है आपको, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो अवधी किस भाषा वर्ग की बोली है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा, है ना। मैंने कई बार आपको कोड बनाया है कि अव छत्तीसगढ़ी, आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की जो है बोलियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस श्रेणी के निबंध गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं? तो किस श्रेणी के निबंध होते हैं? संश्लेषणात्मक निबंध होते हैं, विश्लेषणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या विचारात्मक निबंध। आपका प्रश्न है किस श्रेणी के निबंध गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं? तो किस प्रकार के निबंध होते हैं? चार विकल्प हैं, चार में से चयन करना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विचारात्मक जो निबंध होते हैं वो गंभीर चिंतन और मनन बौद्धिक चिंतन से संबंधित या युक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है अंत्याक्षरी, पत्र लेखन, घटना वर्णन या चुटकुले सुनना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है हमें बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्र लेखन। पत्र लेखन ये मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का दूसरा चरण है सुनना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना बोलना या फिर लिखना। तो आपको बताना है भाषा विकास का दूसरा चरण कौन सा है? अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न क्रमांक 29 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा? बोलना। बोलना यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है ये भाषा विकास का दूसरा चरण माना जाता है, बोलना। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों की असफलता को जानने में, छात्रों की क्षमता को कमजोरी, छात्रों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में, या फिर शिक्षण प्रक्रिया को सफल व प्रभावी बनाने में। तो भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है वो विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, इन सभी में पड़ती है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत द्वारा भाषा सीखने में कम समय लगता है, भाषा सीखने में अस्थिरता होती है, भाषा सीखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में अधिक समय लगता है। तो भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत द्वारा क्या होता है? ये 4 विकल्प हैं और 1 का चयन आपको करना है। तो उत्तर बताएं कमेंट में 1, 2, 3 लिख करके क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा सीखने में कम समय लगता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो उदाहरण है इनमें से कोई नहीं दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर श्रव्य सामग्री। तो रेडियो किसका उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों को पता है कि रेडियो जो है वो श्रव्य सामग्री, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? उपरोक्त सभी, केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे भाषा का जो प्रयोग करते हैं सुनकर भी करते हैं, लिखकर और बोलकर सभी प्रकार से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है? भाषा का तत्व नहीं, बस भाषा असामाजिक होती है, भाषा ध्वनि मूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है या भाषा प्रतीकात्मक होती है। तब उत्तर बताना है आपको, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट में लिखें आप, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कि भाषा असामाजिक होती है, ये भाषा का तत्व नहीं है, विकल्प नंबर 1। ठीक है, अगला आपको बताना है, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? वार्तालाप, सत्संग, भाषण या फिर सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल आपको बताना है,
और 44 का आंसर बताना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि वार्तालाप भी मौखिक अभिव्यक्ति है, सत्संग भी है, भाषण भी है, तो आपका सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य कौन सा है? केवल ज्ञान, केवल कौशल, केवल ज्ञान प्रयोग या उपरोक्त सभी? तो निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए, और शिक्षण उद्देश्य बताना है तब आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ज्ञान भी है, कौशल भी है और ज्ञान का प्रयोग भी है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। तो जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय का उदाहरण कौन सा है? प्रगतिशील विद्यालय, जन विद्यालय, सामान्य विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील विद्यालय, ये जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी पढ़ता है, लिखता है, हंसता है या फिर सोचता है? आपको उत्तर बताना है, चार विकल्प हैं, चार में से सही उत्तर बताएंगे तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोचता है, यानी कि चार नंबर। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी सोचता है, चार नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं तो क्या हैं? केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां, केवल पठन से संबंधित चुनौतियां या केवल लेखन से संबंधित चुनौतियां या उपरोक्त सभी? तो इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं तो क्या हैं? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकरण संबंधी भी, पठन संबंधी भी, लेखन संबंधी भी। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा बोली वर्ग की बोली है? तो मेवाती के बारे में बताना है, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर छत्तीसगढ़ी हिंदी? तो जो मेवाती होती है दोस्तों ये होती है राजस्थानी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना खालिस्तान के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है, तो किसके ज्ञान के? व्याकरण के, अनुवाद के, ध्वनियों के या इनमें से कोई नहीं? तो बिना खालिस्तान के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है, तब आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। अगर आपको पता है तो उत्तर बताएं, तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याकरण। बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सकें, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, या केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं बलाघातों को समझ सके, या फिर उपरोक्त सभी? तो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है तो किस लिए होती है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के लिए होता है। डी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? कला को, संप्रेषण को, संस्कृति या फिर सुंदरता को? तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो किसको करती है? कला को, संप्रेषण, संस्कृति या फिर सुंदरता को? आपको उत्तर कमेंट में लिखना है, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा नियम द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्कि ये हमारी सोच को भी क्या करती है, निर्मित करती है। तो ये संप्रेषण यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं तो कौन से हैं प्रमुख चरण? पढ़ना, लिखना, समझना या सभी? तो भाषा सीखने के प्रमुख चरण हमें बताना है यहाँ पर, तब आपका राइट आंसर क्या होगा आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें, और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो 1 नंबर है बिल्कुल सही। भाषा सीखने के प्रमुख चरण होते हैं पढ़ना भी, लिखना भी और समझना भी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है तो क्या है?
अध्ययन अध्यापन का विकास, मानवीय संवेदना का विकास, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास या अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है, प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही होगा। भाषा शिक्षण का लक्ष्य होता है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं। भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं, अवधि, मानक भाषा, मुख्य बोली या फिर विभाषा। तो भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहा जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, यानी कि विभाषा कहा जाता है। ठीक है, 4 नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है संचार, लेखन, श्रवण या फिर वाचन। तो भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है, संचार, लेखन, श्रवण या फिर वाचन, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संचार। संचार यानी कि 1 नंबर। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है तो कौन नहीं है, संचार, लेखन, श्रवण और वाचन ये सभी हैं, संचार नहीं है, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है भाषा कौशल के कितने चरण हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं या फिर 3 हैं। भाषा कौशल के चरण बताना है हमें, तो भाषा कौशल के कितने चरण होते हैं सभी लोगों को पता है, और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, यानी कि जो 1 नंबर है वो सही होगा। भाषा कौशल के जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम से तात्पर्य है सीखना, अर्जित करने से, अनुकरण से या रटकर विषय वस्तु को याद करने से। तो अधिगम से क्या तात्पर्य है, तब आपका सही उत्तर क्या होगा, अधिगम का अर्थ ही होता है क्या, सीखना, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है तो कौन सी है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, ग्लोब, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर या मोबाइल वीडियो गेम्स। आपको दृश्य श्रव्य बताना है कौन सी उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको कमेंट में लिखते जाना है और अपना आकलन करते जाना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, है ना, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है जॉनसन को, मॉन्टेसरी, प्याजे या फिर फ्रोवेल को। तो सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 40, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रोवेल। फ्रोवेल को माना जाता है सहायक सामग्री का जनक, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के, क्रियाशीलता के सिद्धांत के, समन्वय का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही होगा। बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है क्रियाशीलता के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है, केवल श्रव्य सामग्री, केवल दृश्य सामग्री, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है ग्राफ के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है, तब कमेंट में लिखें आप, 4 विकल्प हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग लिखेंगे और उत्तर हो जाएगा आपका क्या, केवल दृश्य सामग्री। केवल दृश्य यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है, जो बहुत सारे लोगों ने 3 बताया, बिल्कुल सही है, दृश्य सामग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूप सृष्टि करने वाली शक्ति खालिस्तान है, जीवन के विविध दृश्यों को सामने प्रस्तुत करना इसी का काम है, तो किसका है, कल्पना का, अर्थ का, बुद्धि का या फिर शब्द तत्व का। रूप सृष्टि करने वाली जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है, कल्पना है कि अर्थ तत्व है या फिर बुद्धि तत्व है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, कल्पना तत्व। कल्पना यानी कि 1 नंबर। रूप सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना तत्व है, 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तरभाषी छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए आसान है, सामान्य है, चुनौतीपूर्ण है या फिर विशिष्ट है।
तो हिंदी तरभाषी छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए क्या है? तब आपका राइट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण। चुनौतीपूर्ण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।